माह सियाम की बाबरकत सातों का आगाज, आज बरोसप्ताह पहला रोजा। सराइकी खत्ते के बासियों को रोही की जानिब से रहमतों और बरकतों का महीना मुबारक। अहले इस्लाम को और अहलियान मुल्तान को रमजान के मुकद्दस महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। जो हिदायत हुकूमत ने जारी की हैं, जो जवाबत हुकूमत ने जारी की हैं कोरोना से बचाव के लिए, उनको मदद नजर रखते हुए जितनी इबादत आप कर सकते हैं जरूर करें। अहले इस्लाम और मुल्तान को माह मुकद्दस की मुबारकबाद। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से वीडियो पैगाम जारी, कहा कि शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए इबादत करें। रमजान के पहले रोजे ही कुदरत सराय के अवाम पर मेहरबान हो गई। बहावलपुर डीजी खान में आसमान पर गहरे स्याह बादलों का राज, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने बहावलपुर में शाम के बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई कर दी। रोही की तीसरी सालगिरह, अवामी मसाइल हो या जुल्म के खिलाफ आवाज, रोही बना हर दम अवाम की आवाज। जनूबी पंजाब भर से मुस्तरद खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशा। सराय के खत्ते की आम शख्सियात की जानिब से रोही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कोरोना से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, वबाई सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में ऐलान, रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं। रमजान के पहले रोजे ही कुदरत सराय के अवाम पर मेहरबान हो गई। बहावलपुर डीजी खान में आसमान पर गहरे स्याह बादलों का राज, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने बहावलपुर में शाम के बाद गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई कर दी। रोही की तीसरी सालगिरह, अवामी मसाइल हो या जुल्म के खिलाफ आवाज, रोही बना हर दम अवाम की आवाज। जनूबी पंजाब भर से मुस्तरद खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशा। सराय के खत्ते की आम शख्सियात की जानिब से रोही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कोरोना से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, वबाई सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में ऐलान, रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सराय के अवाम ने कोरोना के खात्मे की ठान ली। जनूबी पंजाब में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। लैया में 8 अफराद टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों का रवाना, मियांवाली के 14 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 139 मरीज सेहतयाब करार, रहीमिया खान के 3 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब, 33 मरीजों की पहली रिपोर्ट भी मनफी आ गई। डीजी खान में सराय के अवाम ने कोरोना वायरस को लगाम डाल दी। डीजी खान करंटीना सेंटर कोरोना फ्री करार, तमाम जायरीन घरों का रवाना, करंटीना को बंद कर दिया गया। जायरीन ने इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस, हेल्थ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि करंटीना में हमारा ढेर सारा ख्याल रखा गया। दयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। शारजा से गल्फ एयरलाइन की खसूसी परवाज 215 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों की थर्मल स्कैनर्स के जरिए स्क्रीनिंग, तमाम मुसाफिरों को करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा बल्दियात पंजाब में मेरिट पर भर्तियों का सिलसिला जारी है। पंजाब पब्लिक सर्वे कमीशन की सिफारिशात पर ग्रेड 17 के 59 इंजीनियर्स की मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपल तहसील के सतह पर तैनातियां की गई। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान, बहावलपुर, लोधरा, तिहाड़ी, भक्कर समेत दीगर अजला के अफसरान शामिल हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की तरफ से अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। करायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी, मुल्तान पुलिस ने बस्ती जामपुर में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू कर दी गई। और माह सियाम में कौन बनेगा रोही की आवाज, रोही नाथ मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज।
कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नाश्ता हजरात के ऑडिशन, नंबर आपकी स्क्रीन पर।